इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज के चार मैचों का सेकंड जो मुकाबला है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर यह मुकाबला खेला जाने वाला है सत्रह से लेकर के इक्कीस तारीख तक तो का मुकाबला होगा सुबह साढ़े नौ बजे मुकाबला खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से पारी और 132 रन से हराया था तो इस मैच में क्या कुछ रहने वाला है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कौन सा प्लेयर यहाँ पर बेहतरीन फॉर्म दिखा सकता है कौन सा बॉलिंग सेक्शन यहाँ पर अच्छा चल सकता है स्पिन बॉलिंग सेक्शन या फास्ट बॉलर सेक्शन के लिए तो यहाँ पर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए बेस्ट प्लेंग इलेवन जो कि आपको यहाँ पर हम देने वाले तो बात करते हैं स्टेडियम की अरुण जेटली स्टेडियम जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है इस स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर अभी तक चौतीस टेस्ट मैच हुए जो कि यहाँ पर ऑल ओवर टोटल चौतीस मैच ही यहाँ पर खेले गए जिसमें से तेरह मैच टीम इंडिया ने छः मैच यहाँ पर टीम इंडिया हार चुकी है और पंद्रह मैच यहाँ पर ड्रॉ है तेरह इंडिया ने जीत लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर छः मैच खेले तीन ड्रॉ हुए एक मैच ऑस्ट्रेलिया जीती है और दो मैच यहाँ पर टीम इंडिया ने जीते पिछला जो मैच हुआ था पहला टेस्ट मैच यहाँ पर एक रन और पारी से हराई थी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को एक जीरो से आगे बढ़त बना चुकी टीम इंडिया तो यहाँ पर आठ विकेट टोटल चटकाए थे टीम इंडिया ने और सत्तर रन भी बनाए थे यहाँ पर आठ विकेट रविंद्र जडेजा ने चटकाए और सित्तर रन बनाए रविंद्र जडेजा ने बेहतरीन यहाँ पर रविंद्र जडेजा की जो है बॉलिंग देखने को मिली थी एक का स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए दस विकेट पर टीम इंडिया ने चार बनाए फिर ऑस्ट्रेलिया नाइन्टी पर ऑल आउट हो गई तो यहाँ पर टीम इंडिया जो है हार गई जीत गई ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हार गई है इस मैच को तो यहाँ पर हम बात करने वाले पर, प्लेयर के बारे में कि कौन सा प्लेयर यहाँ पर बेहतर आपके लिए रह सकता है यहाँ पर जो टीम क्रिएट करने वाले उसमें आपको सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर एक कैरी को आप ले लीजिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में भी है और यहाँ पर अच्छा करते हैं इंडिया की तरफ से कोई भी विकेट कीपर इतना काश नहीं है विराट कोहली लेना होगा इस एस स्मिथ को आप ले लीजिए यहाँ पर रोहित शर्मा डेविड वार्नर आप फ़िलहाल ड्रॉप पुजारा को ले लीजिए यहाँ पर के राहुल को ड्रॉप कर दिए सुबमिन गिल को भी फिलहाल आप ड्रॉप ही रहने दीजिए यहाँ पर सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप रहने दीजिए जडेजा को लेना होगा अश्विन को लेना होगा दोनों ने विकेट चटकाए रन भी बनाए यहाँ पर आश्रे की तरफ से ऑलराउंडर यदि आप चाहते हैं तो आप ग्रीन को ले सकते हैं क्योंकि ग्रीन यहाँ पर दिल्ली में बेहतरीन कर सकते हैं यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आश्रिया की तरफ से कुमिश को ले लीजिए भारत की तरफ़ से कोई बॉलर लेना चाहते तो यहाँ पर भारत की तरफ़ से फास्ट बॉलिंग में आप एम सिराज को ले सकते हैं एम सिराज जी ही आपके लिए बेहतर हो सकते हैं क्योंकि एम सिराज अच्छी यहाँ पर करते हैं एम सिराज के अलावा या आप उमेश यादव को ड्रॉप करना होगा कि और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बॉलर आप चट ले सकते हैं यहाँ पर जो कि है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप एन लायन को ले लीजिए ये आपके लिए बेहतर यहाँ पर फॉर्म दिखा सकते हैं एन लायन तो इसके अलावा आप कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से कैप्टन और वाइस कैप्टन यदि आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा ले सकते हैं विराट कोहली को आप ले लीजिए विराट कोहली आपके लिए कैप्टन आप के लिए बेहतर के और यहाँ पर वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पर वाइस कैप्टन के लिए आप जो है जडेजा को सेलेक्ट कर सकते हैं अश्विन भी अच्छा करते हैं अश्विन या जडेजा दोनों में से एक किसी को भी आप ले सकते हैं दोनों ही बेहतरीन है यहाँ पर जो टीम हमारे सामने आने वाली है वो टीम इस प्रकार रहने वाली है कि यहाँ पर एक हमने यहाँ पर जो है विकेट कीपर लिया है बाहर की तरफ से कोई भी विकेट कीपर हमने नहीं लिया चार बैट्समैन लिए तीन इंडिया से और यहाँ पर एक स्मिथ यहाँ पर बात करते हैं तीन ऑलराउंडर सेक्शन और तीन बॉलिंग सेक्शन से जो कि एक बेहतरीन टीम है लाइन अब आने के बाद पता लगने वाला है कौन यहाँ पर टॉस के बाद ही प्लेयर अंदर होता है और कौन बाहर होता है धन्यवाद दोस्तों